रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें, धाम में आने वाले देश विदेश के तीर्थयात्रियों को रहने खाने की सुविधाओं को लेकर यहां पर टेंट व्यवसायों को रोजगार के अवसर दिए जाते हैं ताकि लोगों की यात्रा आसानी से हो सके। बता दें, वहीं केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने सरकार की व्यवस्थाओं से नाराजगी जताते हुए कहा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से 4000 लोगों को रहने की व्यवस्था की बजाय स्थानीय लोगों को टेंट दिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा स्थानीय लोगों के सहयोग से ही चलती है, ऐसे में स्थानीय लोगों को ही टेंट का आवंटन होना चाहिए। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। यहाँ पर जैसे हमारे ढाबी हैं, टेंट हैं, हमारे छोटे छोटे दुकानें हैं, वो स्थानीय लोगों को मिलने चाहिए। यहाँ पे गढ़वाल मंडल ने जो टेंट के लगभग 4000 लोगों के लिए जो व्यवस्था दी है, मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ। हम गढ़वाल मंडल हमेशा घाटे में चलता है। अगर 2000 वो करें और बाकी स्थानीय लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। और बहुत गरीबी है और हम लोग बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए, और इस पिछली बार बहुत अच्छा रोज़गार रहा।